हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज शेयर्ड व्लॉगर प्रीति और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र स्पेशल मिसरा पाव की रेसिपी, जो बहुत ही कम सामान में बनती है और बहुत ही आसान है बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए ये जो अंकुरित मटकी है, ये चाहिए। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल के रखी, आप मेरे चैनल के सर्च इंजन में जाके इसे सर्च कर सकते हैं। रिसेंटली अपलोड की हुई रेसिपी है ये मेरी। तो ये हमें 200 ग्राम मटकी चाहिए। यहाँ पे एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पे थिनली स्लाइस कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया लिया है मैंने, और एक बड़ा टमाटर बारीक कट करके लिया है, सूखा नारियल लिया है मैंने यहाँ पे, और 10 से 15 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली है, और एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, जिसे छील के अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कुकर का जो अंदर का बर्तन होता है डिब्बा, उसमें हमें ये मटकी अच्छे से उबाल लेनी है, जिससे क्या होता है ये अच्छे से उबल भी जाती है और इसके जो ऊपर का कवर होता है वो मटकी का वो सेपरेट भी नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम मटकी पकाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये मटकी ली है, मैंने ये पहले से ही धो के फिर रखी थी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मटकी में पानी डालकर इसमें नमक डाला है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी डालकर इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। और अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल के इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 सीटियाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से प्रेशर कुकर जो है वो गैस पे लगा दिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो हम सबसे पहले एक दूसरी गैस पर मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है मटकी उबलने के लिए, और ये जो दूसरा गैस है इस पे मैं दूसरी कढ़ाई डालकर इस पे मैं सूखा नारियल जो है वो अच्छे से भूरे रंग पे इसे भून लूँगी थोड़े से ऑयल में। ये देखिए, हमें ये जलाना नहीं है, ये अगर जल जाता है तो इससे सब्ज़ी में कड़वी टेस्ट आती है, तो इसे हमें हल्के भूरे रंग पे ही भूनना है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें ये प्याज जो है हमने ऐसे स्लाइस कर ली है, बस रफली स्लाइस किया है मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं किया, काटी है ये प्याज। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे, क्योंकि हमें टमाटर और प्याज एक साथ अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज भूनने के लिए रखी है, तो हाई फ्लेम पे ही हमें ये प्याज भूननी है। तो जैसे ही हमारी थोड़ी सी प्याज भून जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, इसमें हम ये एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने बारीक कट करके, तो ये हम पूरी एक कटोरी भर के तो ये हम इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ इसमें अदरक और लहसुन भी हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे पानी डालकर अच्छे से बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने पीस लिया है। अब हम ये जो मटकी हमने उबलने के लिए रखी थी ये भी अच्छे से उबल गई है, तो ये देखिए बिल्कुल भी ये सेपरेट नहीं हुए है और अच्छे से पक गई है। तो सबसे पहले हम ये दूसरे गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, और दूसरा जो गैस है मेरा उस पर ही मैंने कढ़ाई डाल दी है। मटकी हमें जो कट है वो बनाना है, तो मटकी के लिए मिसल पाव जो बनाते हैं उसके लिए ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल लिया है, और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच भर के ज़ीरा डाल दिया है, और कड़ी लीव्स डाल दिए हैं, और साथ ही साथ मैंने उसमें जो हमने मसाला बना लिया था वो डाल दिया है। ये मसाला हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनने देना है, जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं होता है तब तक ये हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे हमारा मसाले में से ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है, तो इसमें हमें ये जो सुहाना मसाला है मिसल मसाला वो मैंने 2 बड़े चम्मच भर के लिए है, पोहे के चमचा जो होता है वो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने यहाँ पे मिसल मसाला लिया है, और आधा चम्मच भर के यहाँ पे हल्दी ली है, और
जो रेड चिली होती है, लाल मिर्च, ये तीखी लाल मिर्च है, तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 चम्मच ली है। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। जैसे कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से मैं थोड़ी सी ये इसमें मिठास भी रखूँगी, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, खाने में ज़्यादा तीखी नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा गुड़ लिया है मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पे सब्ज़ी में डाला है, और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने पोहा का ही 2 बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे चने का आटा डाला है, बेसन, जिससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है और सब्ज़ी की जो थिकनेस है वो अच्छी हो जाती है। तो ये डालकर, बेसन डाल के हमें अच्छे से 2 मिनट तक मसाला अच्छे से भूनना है, और उसके बाद हम इसे इसमें मटकी को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एक सा करके हम ये जो मटकी है अच्छे से हिलाकर अच्छे से एक सी कर लेंगे, और इस पे ढक्कन डाल के हम 2 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसे एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए मैंने ढक्कन डाल के इसे 2 मिनट तक उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और मिसल हमारी अच्छे से पक गई है 2 मिनट तक। अब हम इसमें, हमने जो गर्म पानी करने के लिए रखा था उसमें से गर्म पानी इसमें डाल देंगे। मिसल जो होती है वो पतली होती है, तो हमें हमारे हिसाब से इसमें पानी डालना है, हमें जितनी पतली चाहिए उस हिसाब से। तो पानी डालकर हम इसमें नमक डाल लेंगे, या हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमने पहले भी मटकी उबालते वक्त इसमें नमक डाला है, तो जितना हमने पानी बढ़ाया है उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है। तो ये देखिए नमक डाल के हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये देखिए कितनी अच्छी इस पे तरी भी आई है, कट भी हुआ है, और हमारी मटकी भी अब रेडी हो गई है। अब हम थाली लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थाली में कट ले लिया है, कट के ऊपर से मैंने यहाँ पे कुछ फरसान डाला है, थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया भी लिया डाला है उसके ऊपर से, और उसके ऊपर से हमें बस थोड़ी सी मटकी जो होती है वो सब्जी में से निकाल के थोड़ी सी ऊपर से मटकी डालनी है, और उसके ऊपर से भी प्याज थोड़ा सा और हरा धनिया डाल के फरसान डाल के इसे गार्निश कर लेना है। साथ ही साथ मैंने जैसे ही मटकी उबल गई थी उसमें से कट निकाल लिया था, तो 1 कटोरी में कट लिया है मैंने, 1 कटोरी में दही लिया है, प्याज ली है, फरसान लिया है, नींबू लिया है, और ये ब्रेड के साथ हम ये थाली सर्व करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हमारी ये थाली बनके रेडी हो गई है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।